हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे, एकदम जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज का लेक्चर तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए बच्चे, हम ये बात कर रहे थे कि हमारा जो चैप्टर नंबर 5 था, अध्याय जो 5 था प्यारे बच्चे, सतह रसायन, वो हम लोग स्टार्ट कर चुके थे। और लास्ट वाले लेक्चर के अंदर बहुत ही गजब तरीके से पढ़े हुए की फोड़े हुए थे कि बच्चा अगर मैं बोलूं तो कोई भी वहां पे दो राय नहीं होगी कि भैया हम लोग ने बहुत अच्छे तरीके से उसको पढ़ा होगा। क्लियर है सारे बच्चों को? अब वहां पर बच्चे मैंने ये बताया हुआ बेटा कि हमारा जो अधिशोषण होता है, जो हमारा कंसेप्ट है इस चैप्टर का, अधिशोषण और अवशोषण, ठीक है, वो कंसेप्ट हम लोगों ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ा हुआ है बेटा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि भाई अधिशोषण अवशोषण कहां कहां कैसे कैसे होती है, गैसीय माध्यम में कैसे होती है, इसके बारे में पढ़ा। और साथ ही साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा, सॉरी टॉपिक बेटे, उसका नाम है उत्प्रेरण के बारे में पढ़ा कि उत्प्रेरण क्या होता है, आखिर उसके उत्प्रेरण के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, और उसको बहुत ही सटीक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया बेटा। आपको याद होगा पंडित जी और एग्जाम्पल, याद है ना बच्चा, याद है ना? ठीक है, तो वहां पे पढ़ने के बाद बच्चे हमारा तीसरा पोर्शन है, मैंने आपको बोला भी हुआ था कि हम पूरा चैप्टर को भैया तीन पोर्शन में पढ़ने वाले। और जो चौथा पोर्शन होगा बेटा पायस, जिसको हम लोग इमल्शन बोलते हैं, तो वो इमल्शन में पढ़ाऊंगा, दिक्कत नहीं किसी भी बच्चों को। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर अपन बात किए भैया कि कोलाइट के बारे में पढ़ा। देखिए कोलाइट के बारे में बेटा आप लोग बचपन से ही पढ़ रहे होंगे, क्या मेरे प्यारे बच्चे आपको समझ में आया? मैंने बोला कि जो कोलाइट है, जो कोलाइट सॉल्यूशन जो आप बोलते हो, तो वो तो आप बचपन से ही पढ़ रहे हो। क्या बोला बच्चा? बचपन से ही पढ़ो। कैसे सर, हम कैसे आखिर इसको बचपन से पढ़े? तो बच्चा आप लोगों ने क्या, जब नाइन्थ में थे तो वहां पे आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि क्या पढ़ा होगा कि निलंबन क्या होता है, ठीक है, कोलाइट विलयन क्या होता है, ठीक है, वहां पे आपने टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, और साथ साथ बेटा वहां पे जो है ब्राउनी इफेक्ट के बारे में भी पढ़ा होगा। पढ़ा है ना भाई? सब पढ़े होंगे, ठीक है, तो पढ़े हो या सब, ठीक है। तो वहां पे अपन ने बात किया होगा कि मतलब पढ़े होगे कि आखिरकार जो टिंडल इफेक्ट कैसे होता है, ब्राउनी इफेक्ट जो कैसे काम करता है, और साथ ही साथ मेरे बच्चे वहां पे आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि आखिर निलंबन क्या होता है, कोलाइड क्या होती है, ठीक है। तो वापस इसी चीजों को हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही नए तरीके से, बहुत ही नए अंदाज में और नए जोश के साथ पढ़ने वाले। तो प्यारे बच्चों चलिए अच्छा फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चे, हम जो कोलाइड को मैं बात करूं तो कोलाइड सॉल्यूशन जो होता है उसको हम लोग बांट सकते हैं किसके बेसिस में, एट द उसके जो है कणों की बेसिस पे हम उसको जो है बांट सकते हैं। कितने तरीके में? तीन तरीके में। किसके कण के अनुसार बेटा? ठीक है, याद रखना कोलाइड के जो है, कोलाइड के कणों के हिसाब से, सॉल्यूट के पार्टिकल के अकॉर्डिंग हम इसको क्या कर सकते हैं बेटा? तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। किसके बेसिस में बेटा? याद रखना इसके जो विलेय के कणों के हिसाब से बच्चा, ठीक है, याद रखना किसके हिसाब से बांट रहे हैं अपन? विलेय के कणों के हिसाब से, कणों की साइज के हिसाब से, बेटा, ठीक है, साइज के हिसाब से, ठीक है, आकार के हिसाब से हम इसको बांटेंगे तीन तरीकों पे। अब पहला जो तरीका होता है मेरे प्यारे बच्चे, जिसे हम बोलते हैं निलंबन, यानी कि सस्पेंशन। क्या बेटा? सस्पेंशन। आप लोगों ने सुना होगा सस्पेंशन क्या होता है सर, ठीक है, सस्पेंशन। तो इसको बोलते हैं बेटा निलंबन को, सस्पेंशन में बोल दूं तो क्लियर होगा सारे बच्चों को। अगर यहाँ पे बेटा मैं आपको जो है ये बार बार बोलते आ रहा हूं, अगर मैं जो है इंग्लिश टर्म यूज करता हूं तो उसका जो है हिंदी मीनिंग भी बता रहा होता हूं, तो बेटा यहाँ पे कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं दोनों चीजें एक साथ कराते जा रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों को क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि सर आप जो है बहुत सारे इंग्लिश टर्म यूज करते हो, तो बेटा मैं उसको हिंदी भी तो बता रहा हूँ, हिंदी भी बता रहा हूँ ना भाई, ठीक है, हिंदी बता रहा हूँ तो साथ साथ आपको जो है रिलेट भी तो करने आना चाहिए, इतना तो कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, इतना तो मेहनत चाहिए नहीं बच्चे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर निलंबन की मैंने बात की, तो निलंबन आखिर होता क्या है सर? हमारे पास तो बहुत सारे विलयन होते हैं, विलयन सॉल्यूशन होते हैं, उस सॉल्यूशन में निलंबन किसको बोलूंगा? तो बेटा जिस जो है विलयन में विलेय का जो आकार होगा इस 10 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा होगा, विलेय के आकार की मैंने बात किया, तो विलेय का आकार अगर 10 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो उसको मैं बोलूंगा निलंबन। क्या बोलूंगा बच्चा? निलंबन, सस्पेंशन बोल रहा हूं, एकदम सिंपल सीटिंग, ठीक है। अब देखो दूसरे पॉइंट के ऊपर आता हूं, तो दूसरा जो पॉइंट बेटा हम जो पढ़ने वाले हैं कोलाइड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो बेटा इसको क्या कर लो आप लोग, इसको जो है अपने कॉपी में बच्चा क्या कर लो, बहुत जबरदस्त तरीके से जो है सर्कल बना के, गोला बना के, या फिर बेटा इसको हार्ट बना के आप लोग ऐसे लिख दो, क्योंकि हमारा ये दिल लेने वाला टॉपिक है, इससे आपके एग्जाम्स में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टॉपिक से मैं बात कर रहा हूं बेटा, ठीक है, इस टॉपिक से मैंने बोला ना कि इस चैप्टर से, इसी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
ये नहीं बोला, मैं ये बोला बेटा कि इस चैप्टर से, इस पूरा ओवरऑल चैप्टर से, ये वाला जो टॉपिक है कोलाइडर सॉल्यूशन, यहां से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस पूछा गया है। उसके बहुत सारे जो है टाइप्स होते हैं, बहुत सारे प्रक्रिया होती है, वो सारे प्रक्रिया मैं यहां पे बताऊंगा। तो भैया थोड़ा सा सब्र तो रखिए, सब्र रखिए बच्चा। अब देखो यहां पे बाकी कोलाइडर सॉल्यूशन आखिर होता क्या है। तो कोलाइडर सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, एकदम कुछ नहीं, एकदम हल्का बोल रहा है, एकदम बचपन से पढ़ रहे हैं इसको अपन, बचपन से पढ़ रहे। क्या होता है, जब 10 एंगस्ट्रॉम से 10^4 एंगस्ट्रॉम तक अगर विले का साइज होता है ना बच्चा, तो उसको अपन बोलेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे बच्चा, कोलाइडल सॉल्यूशन। मैं आपको समझाऊंगा, समझ थोड़ा सा, क्या सबर कीजिए, थोड़ा सा सबर कीजिए बच्चा, अभी बहुत टाइम बाकी, ठीक है। अभी देखो अगर मैं बच्चे बोलूं तो भैया 10 एंगस्ट्रॉम से अगर कम की बात कर दीजिए, तो ज्यादा की बात हुई, अगर इसे कम जो है विलय की करोगे तो उसको हम क्या बोलेंगे सर, तो उसको बोलेंगे मेरे बच्चे क्या बोलेंगे, वास्तविक विलयन बोलेंगे, ट्रू सॉल्यूशन बोलेंगे। तो ये तीन चीजें आपको यहां पहले जो है अच्छे तरीके से अपने दिमाग में, अपने जहन में बसा लो भैया, क्योंकि यही तीन चीजें हम लोग अच्छे से और करने वाले हैं, फोड़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं कोलाइडर सॉल्यूशन के बारे में। कोलाइडर सॉल्यूशन आखिर होता क्या चीज और कैसे चीजें होती है, इसके बारे में बात करते हैं बेटा। आपको मैं एकदम बेहतरीन से एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान से देखते रहना। अगर मेरे बच्चे ध्यान से, यहां पे एक जो है एक कंटेनर रखा हुआ, इस कंटेनर के अंदर, इस कंटेनर के अंदर हमको क्या रख दिया, एक वाटर, चलो वाटर डालते हैं, ठीक है, पानी डाल दिया। और पानी हमको पता है कि पानी जल ही जीवन है, और जल ही हमारा क्या है, सार्वत्रिक विलायक है। तो बेटा ये हमारा क्या होने वाला है, विलायक होने वाला है, सॉल्वेंट होने वाला है, हमको पता है सर, बिल्कुल सर, ठीक है, बिल्कुल बेटा, बचपन से पढ़ा तो पता तो होना चाहिए। अगर नहीं पता बच्चे तो भाई कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है इधर, ठीक है भैया। तो हमको क्या है, हमारा जो वाटर है वो क्या है, विलायक है। अब जब विलायक है मेरे बच्चे, तो इसी को ना विलायक को कोलाइडर सॉल्यूशन पढ़ने से, सॉरी पढ़ते वक्त, कोलाइडर सॉल्यूशन पढ़ते वक्त, या फिर मैं बोलूं कि सरफेस केमिस्ट्री पढ़ते वक्त जो विलायक होता है उसी को क्या नाम देते हैं, दूसरा नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं बेटा, दूसरा नाम देते हैं। उस दूसरे नाम का पता है बेटा, उसके दूसरे नाम का पता है परिक्षेपण, 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 इसके दूसरे नाम का मतलब है बेटा क्या, सॉरी दूसरे नाम जो होता है वो क्या होता है, परिक्षेपण, ठीक है, परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम बोल दिया जाता है। जैसे कि आपके घर में क्या होता है, जैसे आपके घर में क्या होता है बेटा, जैसे कि आपके घर में आपका नाम क्या होता है, मान लो कि सोनू नाम है आपका, ठीक है, आपका सोनू नाम है, तो सोनू भैया आपके दोस्त है, आपको जो कुछ और नाम दे रहे होंगे, आपके जो है फ्रेंड जो है बेटा आपको दूसरा नाम दे रहा होगा, आपकी स्कूल में अलग नाम होगा, ठीक है, आपके मम्मी पापा अलग नाम से आपको बुलाते होंगे, आपकी गर्लफ्रेंड आपको अलग नाम से बुलाती होगी, ठीक है। तो वही अलग अलग नाम बेटा हमको यहाँ पे बात करते हैं, विलायक को अगर यहाँ पे बोल देते हैं कि हम परिक्षेपण माध्यम बोलेंगे, किसके केसेस में, कोलाइडर सॉल्यूशन पढ़ रहे होंगे तो, ठीक है, यहाँ पे परिक्षेपण माध्यम की बात हो गई। अब मेरे बच्चे इसी को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा डिस्पर्सन, क्या बोलते हैं बेटा, डिस्पर्सन मीडियम बोलेंगे, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे तो विलायक की बात होगी, लेकिन जो विलेय होता है, जो विलेय बेटा इसके अंदर जो आएगी, इसके अंदर जो आएगी विलेय होगा, उस विलेय को क्या बोलेंगे बच्चे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विलेय करके, ठीक है, उसके ब्रैकेट में जो नाम होता है इसके मैं उसको लिख देता हूँ, ठीक है। अब विलेय को क्या बोलेंगे बच्चा, विलेय को बोलेंगे अपन परिक्षेप्य फेज, क्या बेटा, परिक्षेप्य, परिक्षेप्य अवस्था बोल देते हैं, परिक्षेप अवस्था, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्स, डिस्पर्स फेज बोलते हैं, ठीक है बच्चा, इंग्लिश में डिस्पर्स फेज बोलते हैं, इसको डिस्पर्स, सॉरी डिस्पर्सन मीडियम बोला जाता है, ठीक है। सेम बच्चे यहाँ पे अलग अलग नाम करते हैं, बाकी काम धाम सब एक है, कुछ यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा भाई, सब भाई क्या करते हैं एकदम। हाँ तो प्यारे बच्चे अपन जो है यहाँ पे क्या बात किया, डिस्पर्स, डिस्पर्सन मीडियम के बारे में बात किया, और जो है डिस्पर्स भैया फेज के बारे में यहाँ पे बात कर लिए, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों अपन ये तो पूरा सीख लिए, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो फेजेस थी उसको हम लोग यहाँ पे काउंट कर लिए। अब मेरे बच्चे यहाँ पे हम जो कोलाइडल सॉल्यूशन आखिर बोलते किसके हैं, इसके ऊपर मैं आता हूँ। तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, एकदम कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे जो विलय होगा इसी को हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट में रखते हैं, और इसी में जो विलय के कण होंगे, ठीक है, विलय के जो कण होंगे, इस विलय के जो कण होंगे बेटा वो क्या करेंगे, नीचे में सेटल्ड हो जाएंगे, इस तरीके से सेटल होंगे, सपोज करो इस तरीके से सेटल। अब इसको हम लोग जो है तीन तरीकों में बांट सकते हैं बेटा, जो कि मैंने आपको जो है अभी अभी बताया, कौन कौन से तरीकों में, कौन कौन से तरीकों में, ये इस तरीके के तरीकों में आपको मैं बताया हुआ हूं। समझ में आया सारे बच्चों को, बहुत जबरदस्त तरीके से समझ में आएगा उम्मीद कर रहा हूं। अगर जिसको जिसको समझ में आया मेरे बच्चे, जिसको जिसको समझ में आया, जिसको इसको पढ़ने में मजा आया, तो बेटा वो क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में जाके लिखेंगे भैया कि समझ में आया सर, मजा आ गया पढ़ने में।
ठीक है, मजा आ गया। और किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत आ रही होगी केमिस्ट्री के अंदर, तो वो बच्चा क्या करेगा, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करेगा कि सर मेरे को इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर मेरे को दिक्कत आ रही है, क्या सर आप इसके लिए मेरे को कुछ जो है सुझाव दे सकते हो। तो बेटा डेफिनेटली हम आपको जो है वहां पर रिप्लाई करने वाले हैं। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग क्या करिए, एकदम जोश में रह के पढ़िएगा, एकदम मजे लेके पढ़िएगा, ठीक है। इसके बाद में बेटा जिसमें आपको बोलूं कि कंसेप्ट समझना है बेटा, ध्यान देना थोड़ा सा, तो वहां पर ध्यान देना, जहां पर बेटा हमको जोश दिखाना होता है, जहां पर मजे करने होते हैं हमको, जहां पे हमको कंसेप्ट को अच्छे से पकड़ बनानी होती है, तो बेटा हम उस पे बात करेंगे। फिलहाल बच्चा आपको ये सारी बातें समझ आई होगी, तो बच्चा क्या करता है फटाफट आगे बढ़ लेते हैं। अब देखो भैया यहां पे मैंने बात की पूरा का पूरा हमारा कोलाइड सॉल्यूशन कैसे होता है, ये सारे फेजेस के बारे में बात कर लिए। अब मेरे प्यारे बच्चे अगर मैं बोलूं कि भैया हमारे कोलाइड बनाने की जो प्रोसेस होती है, जो विधियां होती है, वो कितनी होती है भैया, तो कितनी होती है बच्चे, वहां पे देखो कि हमारा जो कोलाइड बनाने की जो प्रोसेस होती है, जो विधियां होती है, वो दो तरीके की होती है, दो तरीके से अपन पढ़ते हैं। पहला जो तरीका होता है बेटा, उसको अपन बोलते क्या है, रासायनिक विधि बोल देते हैं। क्या बच्चा? रासायनिक विधि है। अब रासायनिक विधि बच्चे, ठीक है, रासायनिक विधि तो हम रासायनिक पढ़ेंगे ही, ठीक है, पढ़ेंगे रसायन के बारे में पढ़ेंगे। तो रासायनिक विधि के अंदर मेरे बच्चे इसको क्या बोलते हैं, एक और जो नाम से बोला जाता है, जिसको अपन बोलते हैं संघनन विधि। क्या बेटा? संघनन विधि, ठीक है, संघनन विधि। तो इसको बच्चा अगर एग्जाम्स में पूछा तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। यहां पर कुछ भी एकदम जो है नया काम नहीं होता। क्यों? ये जो प्रोसेस है बेटा, इसको आप लोग बार बार बचपन से जो है पढ़ते आ रहे हो, तो बेटा इस यहाँ पे जो है आपको एकदम हार्ड एंड टफ नहीं लगने वाला है, पहली बात, ठीक है। अब दूसरी विधि की मैं बात करूं बच्चे, तो इसके अंदर जो है दो प्रोसेसेस आते हैं, दो विधियां आती है। पहला जो प्रोसेस होता है मेरा बच्चा, वो क्या होता है, हमारा आर्क विधि होता है। आर्क विधि क्या बेटा? एक होता है आर्क विधि। आर्क विधि में क्या होता है, मैं बताऊंगा, हमारा जो कोलोइडल सॉल्यूशन जो होता है बेटा, आर्क विधि से क्या होता है, विभक्त किया जाता है, तो इस प्रकार से बनाया जाता है, तो हम उसको बोलेंगे आर्क विधि। और दूसरा जो मेथड होता है बेटा, वो हमारा फेवरेट बेटा, वो क्या होता है, पेप्टीकरण विधि। तो ये बेटा हमारा फेवरेट, ठीक है, विधि होने वाला है, जिसको हम लोग जो है आज के इसी दिन में बेटा एकदम जो है जबरदस्त तरीके से पढ़ने वाले। तो आप लोग इसको स्टार बना के ऐसे लिख लीजिए कि भैया हम पेप्टीकरण आज करने वाले। तो कॉपी के अंदर फटाफट मेरे प्यारे बच्चे का ले हो, क्या कर लो कि पेप्टीकरण का जो है थेटिन लगा के बहुत ही गजब तरीके से तो सजा कर लिख लो भैया, क्योंकि हम पढ़ने वाले। उससे पहले मेरे बच्चों आप लोग क्या कर लेते हैं, पहले संघनन विधि के बारे में बात कर लेते हैं, मतलब भैया रासायनिक विधि के ऊपर बात कर लेते हैं कि रासायनिक विधि आखिर बनती कैसे है। अब देखो बच्चे, रासायनिक विधि में संघनन जो विधि की अगर मैं बात करूं बेटा, तो यहां पे क्या होता है, हम जो ए के बारे में बात करता हूं, ठीक है, ए के बारे में मैं बात करूं, तो ए के बारे में क्या होता है, As2 जो होता है बेटा, आर्सेनिक जो है ऑक्साइड की मैं बात करूं, As2O3 प्लस H2, इस तरह से अगर मैं बात करूं बेटा, जो हमारा As2O3 प्लस 3H2S जो होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, इस प्रकार से रिएक्शन कराएंगे, तो यहां पे एकदम बचपन की बातें हैं। क्या बेटा? एकदम बचपन की बातें, कोई नई बात नहीं है। यहां पे क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड हो जाएगा, मतलब भैया यहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब भैया द्वि क्या होता है बेटा, प्रतिस्थापन विधि हो जाती है। क्या बच्चा? द्वि प्रतिस्थापन विधि, मतलब पहला प्रतिस्थापन एक विधि होता है, जो क्या करता है बेटा, एक जो होता है दूसरे को रिप्लेस कर देता है, ठीक है, रिप्लेस करता है, उसको वो जो प्रक्रिया होती है वो दो बार हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। एकदम सिंपल सी बात है, मतलब मेरे बच्चे यहां पे बोलने का मतलब ध्यान से सुनो, मैं रासायनिक अभिक्रिया ले लेता हूं, आपको क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। अब देखो बेटा, यहां पे जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है ना बच्चा, ये जो ऑक्सीजन है क्या करेगा, इस सल्फर के साथ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इंटरचेंज। तो क्या होगा बच्चे, यहां पर As2 क्या बेटा, As2S3 प्लस H2O का फॉर्मेशन करेगा इस प्रकार से बेटा। क्या करेगा? H2O का फॉर्मेशन इस प्रकार से करेगा, मतलब भैया हमारा जो O की जगह पे S आ गया, O की जगह पे S आ गया, तो यहां पे कौन सा डिस्प्लेसमेंट आ गया मेरे बच्चे, ठीक है। हम जो यहां पे बात कर दिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहां पे डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज किया गया, प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन विधि यहाँ पे यूज हुई है। तो बेटा आपको इसको फटाफट अपने कॉपी के अंदर क्या कर लेना, नोट कर लेना है। क्लियर है सारे बच्चों को? अब ये बना कैसे, संघनन विधि में बना कैसे, इसके ऊपर आता है। तो देखो बच्चे, यहां पे क्या हुआ, जो AS3 का AS AS2
O3 सपोज करो कि भैया ये हमारे क्या है, एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक अणु है। अब ये अणु क्या कर रहे हैं बेटा, ये हमारे एक सिंगल अणु है, ठीक है, ये सिंगल अणु जो है बहुत सारे अणु के साथ मिलकर ऐसे जो मिलकर एक बेटा एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा, एक प्रेसिपिटेट बना देगा, ठीक है, पीपीटी का फॉर्मेशन कर, तो ये क्या हो गया, हमारे जो बहुलक बन गए, मतलब बहुत सारे अणु यहाँ पे मिल गए। तो बेटा यहाँ पे क्या हो गया, हमको जो है एक कोलाइड का सॉल्यूशन, जो हमें कोलाइड मिल गया, और ये कोलाइड का जो साइज होता है मेरे बच्चे वो क्या होता है, 10 एंगस्ट्रॉम से 10^4 एंगस्ट्रॉम होता है, जो कि हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। क्लियर है सारे बच्चे? तो यहाँ पे क्या होता है बच्चे, हमारा जो होता है कोलाइड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है, सिंपल बात, ठीक है। अब दूसरे प्रोसेस के ऊपर आते हैं बेटा, हमारा जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको मैं बोलता हूँ बेटा पेप्टीकरण। क्या बच्चा? पेप्टीकरण की विधि, जिसको हम बोलते हैं पेप्टिडाइजेशन मेथड के बारे में बोलते हैं। अब बच्चे ये मेथड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं बार बार इसको इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं, इसके ऊपर आते हैं, क्योंकि बच्चे ये जो टॉपिक है पेप्टीकरण का जो टॉपिक है, ये जो है एग्जाम्स में बहुत टाइम पूछा गया है। क्या बच्चा? बहुत टाइम पूछा गया यार, तो इसको ना एकदम तगड़े तरीके से करेंगे, एकदम जबरदस्त तरीके से इसको फोड़ेंगे, समझ में आया सारे बच्चों को? अब देखो बच्चा यहाँ पे बात करते हैं कि आखिर पेप्टीकरण होता क्या है, ठीक है। पेप्टीकरण बोलने से मेरे को समझ आ रहा है कि क्या सर यहाँ पे पीपीटी का फॉर्मेशन होगा और छेप बनेगा क्या? बिल्कुल बच्चे आप बहुत सही जा रहे हो, बहुत सही जा रहे हो, बहुत जबरदस्त तरीके से सही जा रहे हो। क्या बेटा? यहाँ पे क्या होता है, जो अवक्षेप जो बनते हैं, जो प्रेसिपिटेट बनते हैं, उस प्रेसिपिटेट का क्या होता है बेटा, विद्युत अपघटन में मिलाकर कोलाइडी विलयन में परिवर्तन होता है। मतलब मैं बोलूं भैया कन्वर्टिंग, मतलब बदलने की जो प्रक्रिया है, जो हमारा जो प्रेसिपिटेट का जो है कोलाइड विलयन में जो बनने की जो प्रक्रिया होती है, किसके प्रेजेंस में? इलेक्ट्रोलाइटिक के प्रेजेंस में। तो बेटा उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, हम बोल रहे होंगे, क्या बोल रहे होंगे बेटा? पेप्टीकरण बोल रहे होंगे। एकदम सिंपल, एकदम मक्खन सारे बच्चों को समझ में आया होगा, ठीक है। मैंने क्या बोला बच्चा, मैंने एकदम आपको बोला कि पीपीटी, पीपीटी में अगर लिखूं बेटा तो आपको समझ आना चाहिए कि पीपीटी मतलब मैं क्या बात करूं, प्रेसिपिटेट अवक्षेप के बारे में बात करूं। अगर ये अवक्षेप जो है इलेक्ट्रोलाइट मतलब विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में बेटा, ये जो है क्या होता है कोलाइड सॉल्यूशन में चेंज होता है, तो मैं इसको क्या बोलता हूं बेटा, पेप्टीकरण प्रोसेस बोल रहा होता हूं, पेप्टीकरण विधि बोल रहा होता हूं। एकदम सिंपल सारे बच्चों को समझ में आया, ठीक है। अब देखो यहां पे जो मैं इलेक्ट्रोलाइट यूज करता हूं ना मेरे बच्चे, याद रखना मैंने क्या बोला, यहां पे मैं जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करता हूं, ये जो इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहा हूं, तो इसी इलेक्ट्रोलाइट को मैं क्या बोलता हूं, इसी इलेक्ट्रोलाइट को बोलता हूं मैं पेप्टीजाइजेशन एजेंट, मतलब हमारा पेप्टीकारक बोल रहे होते बेटा। क्या बोलते हैं? पेप्टीकारक। तो आपको इसको याद रखना है, क्या रखते हो इसको, पेप्टीजाइजेशन एजेंट बोलते हैं इंग्लिश में बेटा, और हिंदी में क्या बोलते हैं अपन इसको, पेप्टीकारक बोल रहे होते हैं। क्या बच्चा? पेप्टीकारक बोल रहे हैं, और इंग्लिश में पेप्टीजाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया सारे बच्चों को? जो यहाँ पे डालेंगे वही बनता है, ठीक है। इसको मैं जो आराम से पढ़ना बच्चे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो ना आप लोग, समझ रहे हो सारे बच्चे? अब देखो इंपॉर्टेंट है तो क्या हुआ भैया, हम तो इसको जो है बहुत गजब तरीके से फोड़ेंगे सर, हमको जो है आप पढ़ा दे रहे हो, ठीक है, आप जो है मेरे से पढ़ रहे हो बेटा, ठीक है। तो आपको जो है सारी चीज यहाँ पे मक्खन होनी चाहिए भाई, मजा आना चाहिए पढ़ने में, ठीक है। केमिस्ट्री एकदम यू एग्जाम आया ना बेटा, तो एग्जाम के अंदर जो सारी चीजें आपके दिमाग में आए और सब लिख के आ जाओ भाई, जिस दिन एग्जाम दे के आओ ना बेटा, तो उस दिन क्या करना आप लोग, कमेंट सेक्शन में आना और भैया मेरे को कॉल करना डायरेक्ट कि सर आज एग्जाम बहुत जबरदस्त गया है, ठीक है, बहुत जबरदस्त। तो इतने एकदम शिद्दत से पढ़ो मेरे बच्चे, ठीक है। तो चलिए बच्चा हम जो है अगर इसके एग्जाम्पल की बात करता हूँ, उदाहरण की मैं बात करता हूँ, तो उदाहरण बहुत जबरदस्त तरीके से मैं बताता हूँ। देखो बच्चे यहाँ पे जो FeCl3 के जो सॉल्यूशन में NH4OH मिलाने पर, ठीक है, Fe3 के हमारे पास एक विलयन है, उसमें NH4OH, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला देता हूं, तो वहां पे मेरे को क्या मिलता है, फेरस हाइड्रोक्साइड मिल रहा होता है, फेरस हाइड्रोक्साइड मिल रहा होता है, मतलब FeOH3 मिल रहा होता है, जिसका जो प्रेसिपिटेट जो है ब्राउन कलर का, भूरा कलर का होता है। एकदम सिंपल बच्चे को, एकदम जबरदस्त तरीके से क्लियर हुआ, ठीक है। इसको मैं आराम से पढ़ा रहा हूं बेटा, बिल्कुल जो है एकदम शांत तरीके से, बहुत गजब तरीके से सुनते बस जाना, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे क्या मिला बेटा, पीपीटी मेरे को मिल गया, मतलब अवक्षेप मेरे को मिल गया, वो भी कौन से कलर का, भूरा कलर का, ब्राउन कलर का अवक्षेप मिला। अब इस ब्राउन कलर के अवक्षेप में बेटा मैं क्या डालूंगा, इलेक्ट्रोलाइट, जैसे अपन ने बात किया इलेक्ट्रोलाइट डालूंगा, और इलेक्ट्रोलाइट डालने के बाद ना बच्चे ये जो है पीपीटी जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कोलाइड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। एकदम सिंपल, कोलाइड सॉल्यूशन में जो है कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, तो वो जो प्रोसेस होता है पूरा का पूरा, उसी को हम लोग पेप्टीकरण करते हैं। अब बच्चे एक्चुअल में समझते हैं कि होता कैसे चीजें, ठीक है। अब देखो बेटा
ठीक है, होता कैसे चीजें इसको समझते हैं। अब मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, आपको जो है एकदम फील कराने वाला हूं कि इसको कैसे होता है, ठीक है। अब बेटा हमारे पास एक कंटेनर में, एक कंटेनर में बेटा यहाँ पे क्या है, बहुत जो है भारी मात्रा में FeO3 हमको मिल रहा है। इस प्रकार से बहुत भारी मात्रा में हमको FeO3 मिल रहा है, मतलब मेरे को यहाँ पे PPT मिल रहा है। PPT कहने का मतलब बच्चा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बोल रहा है, ठीक है। ये PPT का मतलब होता है प्रेसिपिटेट, अवक्षेप मिल रहा है। और ये जो अवक्षेप होता है बेटा, इसका जो साइज होता है 10 एंगस्ट्रॉन्ग से क्या होता है, ज्यादा बड़ा होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चा, यहाँ पे जब क्या हो रहा है मेरे को बताओ, तीनों प्रोसेस में निलंबन, कोलाइड और जो है ट्रू सॉल्यूशन में कौन सा आएगा, ये यहाँ पे डेफिनेटली बच्चे आप लोग बता दो कौन सा आएगा। तो कमेंट सेक्शन में इसको बता देना भैया कि यहाँ पे अगर PPT का साइज, ठीक है, PPT में जो विलय है उसका साइज बेटा अगर 10 एंगस्ट्रॉन्ग से ज्यादा हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, निलंबन हो रहा है। क्लियर है सारे बच्चों को, यहाँ पे क्या हो रहा है, निलंबन हो रहा है। समझ रहे हो आप लोग, यहाँ पे निलंबन हो रहा है, ठीक है। अब निलंबन जब हो रहा है बेटा, तो इसको अपन को किसमें चेंज करना है, कोलाइड में चेंज करना है। यहाँ पे निलंबन अपन को मिल गया, इसको कोलाइड में चेंज करेंगे। मतलब सोचो आप लोग, रिलेट करो, एकदम मजा आएगा समझने में। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो विलय के जो कण थे उसका साइज इतना बड़ा है, इसका साइज तो इतना बड़ा है, लेकिन कोलाइड जो हमारा कोलाइड सॉल्यूशन, इसका साइज तो छोटा है ना बच्चा, उसका साइज छोटा है कि नहीं बच्चा, उसका साइज जो छोटा होगा, जब छोटा होगा मेरे बच्चे, तो इसको अपन को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा ना बाबा, क्या करना पड़ेगा भैया, तोड़ना पड़ेगा। राजू भैया समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, मजा आएगा नहीं। देखो ये हमारा निलंबन का साइज क्या बेटा, इसका जो साइज है वो बड़ा है। इस बड़े वाले साइज को अपन को तोड़ेंगे, तोड़ देंगे पूरा मसल देंगे इसको, ठीक है। तो ये टूटेगा तो ये क्या होगा, छोटे साइज में इसका साइज जो हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब कोलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है सारे बच्चों को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं बात करें तो हमारा PPT क्या होगा, 10 एंगस्ट्रॉन्ग से हमारा जो बड़ा है इस पे ऊपर आते हैं, ठीक है। अब बच्चे जब मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से किया तो क्या हुआ, जो हमारा POH जो हाइड्रोक्साइड है बेटा, इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने जो है आपको स्ट्रक्चर के फॉर्म में बताता हूँ। देखो बच्चा यहाँ पे अपन डाल दिया क्या, इलेक्ट्रोलाइट, क्या डाले बेटा, इलेक्ट्रोलाइट हमारा विद्युत अपघट, ठीक है, विद्युत अपघट के तौर पर बेटा मैंने यहाँ पे डाला, विद्युत अपघट्य के तौर पे बेटा यहाँ पे मैंने FeCl3, ठीक है, FeCl3 यहाँ पे डाल दिया। समझ में आया सारे बच्चे को। अब मेरे बच्चे यहाँ पे ध्यान दो कि मेरे जो FeOH3 जो है, ठीक है, अब ये प्रेसिपिटेट, ठीक है, प्रेसिपिटेट के फॉर्म पे है ये, किसमें बेटा, प्रेसिपिटेट के फॉर्म पे है। अब प्रेसिपिटेट कैसा होता है बेटा, मैं आपको फील कराऊं, प्रेसिपिटेट आपको फील कराऊं, एकदम मजा आ जाएगा, समझ आ रहा, एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ठीक है। प्रेसिपिटेट कहने का मतलब बच्चे, जब आप लोग जो है रास्ते में बरसात के दिन में जाते हैं तो बेटा वहां पे कहीं पे गड्ढा होता है और इस गड्ढे में क्या होता है, कीचड़ बैठ जाती है, क्या बेटा, वहां पे कीचड़ हो जाती है, ठीक है, वो हमारे पे कीचड़ रहती है, दलदल रहता है, ठीक है। तो वो जो दलदल है, वो इमेजिन करो कि वही जो दलदल है। मैं ऐसे भैया पानी वाले कीचड़ की बात नहीं कर रहा, मैं दलदल वाले कीचड़ की बात कर रहा हूँ, समझ आया सारे बच्चों को। तो वहां पे जो कीचड़ है, मान लो कि वो मेरा क्या है, प्रेसिपिटेट है, क्या बेटा, प्रेसिपिटेट, वो एक्चुअली वो प्रेसिपिटेट ही है, ठीक है, क्योंकि पानी ऊपर में रहता है, उस जो मिट्टी रहती है बेटा वो नीचे में रहता है, तो वो एक्चुअली प्रेसिपिटेट ही, ठीक है। तो वो मान लो कि वही मेरा क्या बेटा, प्रेसिपिटेट है, और ये जो FeOH3 को ये मान लो, मैंने बोला भाई ये है नहीं बोल रहा, ठीक है, ये मान लो कि बेटा ये मेरा क्या है बेटा, एक जो है प्रेसिपिटेट है, ठीक है। अब ये जो बहुत सारा प्रेसिपिटेट है, बहुत बड़ा क्या है बेटा, गड्ढे के ऊपर जो कीचड़ पड़ा हुआ है, अब जब कोई आदमी आएगा, भारी भरकम आदमी, और उस पर जब पैर रखेगा धड़ाम से, क्या करे बेटा, पैर रखेगा धड़ाम से, तो कीचड़ पूरी फैल जाएगी, फैलेगी कि नहीं बच्चा, फैलेगी ना, पक्का फैलेगी। अब जब फैलेगी मेरे बच्चे, तो कीचड़ जब किसी ना किसी जो है आदमी की, या फिर बोल सकता हूँ जो कूदा है उस पर, उसके ऊपर पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा, ठीक है। जब पड़ेगा तो मैं क्या बोलूँ बच्चा, जो FeOH3 था, मतलब मैं बोलूँ कि जो कि जिसके जो बंदा वहां पे कूदा है, उसके आसपास उसके कपड़े लगते में पूरा क्या लग जाएगा, जो कीचड़ है वो लग जाएगा। सेम उसी प्रकार से, सेम इसी फिनोमिना को आप सोचते रहना, इमेजिन करते रहना, ठीक है, सेम उसी प्रकार से सोचते और इमेजिन करते रहना। देखो मेरे बच्चे यहाँ पे मैं बात करूँ, ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करूँ बेटा FeOH3 की, मैं बात करूँ तो बेटा ये इसको जो है, सपोज करो कि ये मेरे जो है ऐसे बहुत सारे जो है FeOH3 है, मेरे को इस प्रकार से फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से फॉर्मेशन हुआ है। अब देखो FeOH3 मेरे को इस प्रकार से फॉर्मेशन हुआ है, सारे FeOH3 है भाई, ठीक है, FeOH3 मान लो, ठीक है भैया, मानने की क्या जरूरत है इसको, ठीक है। अब देखो, अब यहां से क्या हुआ, जो FeCl3 बहुत ज्यादा आयनिक बेटा, बहुत ज्यादा आयनिक, Fe जो होगा यहां पे क्या होगा, जम करेगा, कूदेगा,
तो कूदेगा बेटा, तो इनके बीच में जो इंट्रैक्शन होगा, इनके बीच में जो इंट्यूशन होगा बेटा, ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा कि नहीं टूटेगा बेटा? इनके बीच में जो इंट्रैक्शन होगा जो अणु के बीच में, वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब ब्रेक होगा मेरे बच्चे, जब ये ब्रेक होगा तो क्या करेगा, यहाँ पे जो Fe प्लस चार्ज आएगा, Fe प्लस चार्ज आएगा बेटा, क्या होगा, Fe प्लस चार्ज आएगा, और यहाँ पे बच्चे Fe प्लस चार्ज आएगा, और देखो यहाँ पे FeOH के प्लस में क्या होता है बेटा, यहाँ पे वंडर वॉल फोर्स हो रही थी। ये क्या बच्चा, वहां पे क्या फोर्स होता है, वंडर वॉल फोर्स, यहाँ पे क्या होता है, वंडर वॉल फोर्स, जो कि वंडर वॉल फोर्स या फिर मैं बोलूँ सहसंयोजी बंध, वो तो वीक होती है, वो तो कमजोर होती है। अब FeCl जो 3 आ रहा है, जो कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, वो बोलेगा धड़ाम से कूद दिया, उसको तोड़ दिया, बिखरा दिया। अब वो जो Fe3+ चार्ज बना दिया, Fe के बच्चा Fe Fe+ चार्ज बना दिया, और Fe3+ चार्ज जब बनाया, Fe3+ चार्ज जब बनाया बेटा, तो ये क्या बोलेगा, भाई तुम क्या, हाँ ये जो है छोटे मोटे गरीब लोग बच्चे क्या बोलते हैं इसको, सहसंयोजक बंध के साथ जो है जुड़े हुए हो, मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ, Fe3+ बोलेगा मेरे साथ आ जाओ, मैं जो है आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, दोनों मिलकर हम लोग आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, तो वो क्या करेगा बेटा, ये जो बॉन्ड है उनके बीच में वो टूट जाएगा, और जो FeOH3 जो था क्या करेगा, इन बॉन्ड को तोड़ेगा, और ये सिंगल FeOH3 जो है, एक सिंगल FeOH3 में इसे जो कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये जो पूरा हमारा जो कीचड़ था वो क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा, मतलब अलग अलग हो जाएगा। तो वे मैं बोल सकता हूँ बेटा, यहाँ पे FeOH3 इस प्रकार से मेरे को जो है मिल जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से मेरे को मिलेगा, ठीक है। अब इस प्रकार से सपोज करो कि यहाँ पे मेरे को जो FeOH3 जो ब्रेक होने के बाद, टूटने के बाद यहाँ पे मेरे को मिला, तो इस प्रकार से मेरे को मिलेगा बेटा। अब देखो यहाँ पे FeOH3 इसके आसपास कौन सा ऐसा कीचड़ आएगा, कीचड़ कौन था बेटा, जो हमको फैला रहा था ना, तो वही तो कीचड़, तो वो कीचड़ कौन था, Fe3+ चार्ज, ठीक है, Fe, तो Fe बेटा पूरा का पूरा इसको जो है घेर के रखेगा, क्या बच्चा, Fe जो है पूरा का पूरा इसको जो है घेर के रखेगा, समझ में आया सारे बच्चों को, तो समझ में बहुत जबरदस्त तरीके से क्लियर हुआ होगा सारे बच्चों को, तो ये फंडा आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से बेटा अपने कॉपी के अंदर लिख के रखना है, समझ आया, तो Fe3+ पूरा का पूरा इसको घेर के रखे, मतलब जो सेम होते हैं बेटा, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट में जो सेम कम जो सेम एलिमेंट होते हैं, और जो हमारे प्रेसिपिटेट में सेम एलिमेंट होते हैं, दोनों एक दूसरे को घेर के रखते हैं, मतलब मैं इसको लिखना चाहूं बेटा, तो लिखना चाहूं तो क्या करूंगा, FeOH3 बाद बेटा ये किसके किसके जो है आसपास में है, Fe के पास में, इस प्रकार से यहाँ पे होगा Fe3+ चार्ज के पास में, इस प्रकार से इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, इस प्रकार से कोलाइड सॉल्यूशन के लिखते हैं। अब बच्चे जो कोलाइड सॉल्यूशन होता है वो हमको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस देता है, हमको पता है, क्योंकि हमारा जो कोलाइड होता है बेटा वो तो क्या होता है, चार्जेस होती है, उसमें क्या होता है बेटा, चार्ज होती है, तो कोलाइड जो होता है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ इधर, हमारा जो कोलाइड होता है बेटा यहाँ पे क्या होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होती है। अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे होती है, इसके ऊपर मैं बात करता हूँ। देखा बच्चा कि हमारे पास एक कंटेनर है, हमारे पास कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या बेटा, एक पीपीटी रखा हुआ है, क्या बच्चा, एक पीपीटी, इस तरीके से पीपीटी रखा हुआ है, सपोज करो कि ये मेरा एक पीपीटी है, और ये जो पीपीटी ना बच्चा, ये जो पीपीटी है, ये किसका है, सिल्वर क्लोराइड का पीपीटी है, क्या बच्चा, सिल्वर क्लोराइड का पीपीटी है, समझ में आया, बिल्कुल सारे बच्चों को समझ में आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड का क्या बेटा, ये पीपीटी है, ठीक है। अब इसको अपन क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं फटाफट, ठीक है बेटा। अब ये हमारा क्या है, अब बच्चे हमारे का सिल्वर क्लोराइड का पीपीटी है। अब सिल्वर क्लोराइड का पीपीटी मैं वापस से एक और जो है लेके चलता हूँ, तो जल्दी हम वो जो है इजी तरीके से ना समझ आ जाएगी। अब बच्चे ये इमेजिन करो कि ये मेरा भी क्या है, एक सिल्वर क्लोराइड का पीपीटी है, ठीक है, ये भी मेरा AgCl का पीपीटी है, AgCl का पीपीटी है, एकदम सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या डाले बेटा, यहाँ पे डाले हम लोग डिस्पर्सन फेज, जिसे अपन बोलते हैं बेटा AgNO3, क्या बेटा AgNO3, ठीक है AgNO3, और यहां पे डाले बेटा अपन यहां पे डाल दिए, अपन यहां पे डाले NaCl3, क्या बच्चा NaCl, सॉरी NaCl3 नहीं NaCl डाले, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस होगा बेटा पूरा का पूरा, जैसे यहां पे मैंने बताया अभी, ठीक है, पूरा का पूरा जो बताया ना कैसे कैसे टूटेगा, कैसे चीजें होगी, तो वही सेम प्रोसेस मेरे बच्चे। तो बच्चे यहां पे जो है हमने इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर क्या डाला, AgNO3 और NaCl डाल दिया इधर अलग अलग फेज पे, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या होगा, जो AgNO3 जो इसको तोड़ेगा, ब्रेक करेगा, और ब्रेक करने के बाद क्या मिलेगा बेटा हमको, AgCl, ठीक है, AgCl के आसपास जो है क्या होगा,
मेरे को जो है AG Nano 3 में से AG का, क्या बेटा AG का, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया कि AG जो होता है बेटा क्या करेगा, सेम जो कंपोनेंट्स होंगे, सेम जो एलिमेंट होगा, वो क्या करेगा एक दूसरे को क्या करेंगे, ऐसे लपेट के रखेगा, मतलब लपेट के जो एक दूसरे के आसपास जो ऐसे घिरा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बेटा यहाँ पे AG कॉमन है तो यहाँ पे भी AG कॉमन है, AG कॉमन बेटा ये वाला AG और ये वाला AG इसको कॉमन है। अब बच्चे यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, AgCl में से क्या कॉमन दिख रहा है, Cl कॉमन, सॉरी हमारा जो Cl जो क्लोरीन है वो कॉमन दिख रहा है। अब मेरे को बताओ जो AG होता है बेटा ये क्या होता है, ये जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब ये हमारे पास क्या होने वाला है, ये पॉजिटिव कोलाइड होने वाला है, ठीक है, ये क्या होने वाला बेटा पॉजिटिव कोलाइड होने वाला है, क्लियर है सारे बच्चों को, पॉजिटिव कोलाइड होने वाला है, ठीक है। अब बच्चे जो NaCl की मैंने बात की तो NaCl में क्या होता है, ठीक है, ये AgCl मेरे को बनेगा इस तरीके से, AgCl जब मेरे को एक सिंगल ब्रेक हो जाएगा तो इसके आसपास जो है Cl माइनस चार्ज घूमता रहेगा, Cl माइनस चार्ज घूमता रहेगा, तो बेटा इसको हम बोलेंगे नेगेटिव कोलाइड, इसको बोलेंगे बेटा नेगेटिव कोलाइड, क्या बोल देंगे इसको फटाफट बहुत जबरदस्त तरीके से लिखते हैं, नेगेटिव कोलाइड बोलेंगे, नेगेटिव कोलाइड बोलेंगे। तो ये सारे बच्चों को जो है बहुत जबरदस्त तरीके से क्लियर हो गया कि पॉजिटिव कोलाइड क्या होती है और नेगेटिव कोलाइड क्या होती है, तो क्लियर है सारे बच्चों को। तो चलिए बच्चे फटाफट जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, सारे जो प्रोसेस मैंने बताया उसको प्रॉपर अपने हैंड रिटन में बेटा क्या करना लिखना है, समझ के लिखना है, ठीक है बच्चा, ठीक है, ये सारे बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे हम लोग कोलाइड की जो है अब प्यूरिफिकेशन के ऊपर आते हैं कि भैया जो कोलाइड बना हुआ है ना, जो प्रोसेस में बना हुआ है कोलाइड, उसका जो है शुद्धिकरण कैसे करेंगे, इसका शोधन कैसे करेंगे, इसके ऊपर आते हैं,